ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। अमृतसर तो दिल्ली कूच कर रहे किसान हरियाणा च दाखिल हो चुके ने। कहा है कि कानून रद्द करवाए बिना वापस नहीं परतांगे। जड़े पत्थरां नू चुकन दे लई सरकार नू वड्डियां वड्डियां करेना दी सहायता लेनी पई। उन्हां पत्थरां नू किसानां ने अपने जुस्से दे नाल चुक चुक के एक पासे कर दिता ते किसानां दा इह संघर्ष अपने सिखरले पद्धर वल अगे वधदा विखाई दे रहा है। कानून रद्द करवाए बगैर असी वापस नहीं मुड़ांगे। किसानों ने एक बार मुड़ तो इसका ऐलान कर दिता है। तो तस्वीर एक बार मुड़ तो तुम विखाने खनौरी बॉर्डर दी तस्वीर लगातार वार वार अजिहियां कोशिशां सरकार वालों कीतियां जा रही ने, पर सरकार शायद यह नहीं जानती कि किसान जेकर चाहण ता पहाड़ हिला दें, पहाड़ नू कट के उस दे विचों भी राह बनाने दे विच समर्थ होंदा है किसान ते मजदूर। ते अज इक वार मुड़ तो अपने जोश दा अपने जुस्से दा प्रगटावा कीता है ना किसानां ने। वड्डे वड्डे पत्थरां नू हत्थां नाल हटा के पासे करके खनौरी बॉर्डर पार कर गए किसान। बड़ी गंदी नीति है। इस खबर से होर गलबात सीधा रुक करांगे। साडे सहयोगी गुरदर्शन इस वेले जुड़ चुके हैं। गुरदर्शन, असी वार वार वेख्या हरियाणा सरकार लगातार जिहियां कोशिशां करती रही है, तो अज एक बार मुड़ तो खनौरी बॉर्डर से भी जब पत्थर रखे गए तो पत्थर किसानों के जुस्से के सामने किसानों के गुस्से के सामने छोटे ही साबित हुए। जी मित, जिवें गल करते हैं पहला भी जिवें एक हरियाणा सरकार वालों खाइया भी पुटिया गई सी, भट्टे भट्टे पत्थर क्रेना नाल रखे गए सी बार्डर के उत्ते। किसान ने पिछले कल जिवें अमृतसर साहब तो जिहड़ियां 700 ट्राली मतलब के लंघनी सी किसानों की रवाना दिल्ली वल हुई सी, वह ट्राली नूं देखदे होइआं जिहड़ी हरियाणा सरकार है उहदे वल्लों दुबारा तो यह वड्डे वड्डे जिहड़े पत्थर सी रखे गए सी। पर किसानां दा जिहड़ा जोश देख के किसान ते मजदूरां दा जिहड़ा जोश है वह एक जिवें पहला भी कह चुके हैं कि पहाड़ां नूं चीन वालों की समर्था रखता है, उस तरह जिहड़े पत्थर सी एक जिवें कह दईए एक रूह की तरह इन्हां लोकां ने बड़े जोश नाल इन्हां पत्थरां नूं हटा के अपना रास्ता खुद तैयार किया है। हरियाणा सरकार नूं एक चुनौती भी दित्ती है कि भावें तुसीं साडे अगे वड्डे वड्डे पहाड़ क्यों ना खड़े कर दो, जिहड़ा साडा निशाना है असीं उत्थे तक पहुंच के रहांगे। जी मित, बिल्कुल वाकई च इस च कोई दो राय नहीं। गुरदर्शन, की समझा जावे हुण अगों किन्नी वड्डी चुनौती सरकार दे लई दरपेश हुंदी विखाई दे रही है? किड्डा वड्डा काफला है, किन्ने ट्रैक्टर ट्रालियां ने जिहड़े कि इस वेले अगे वधदे विखाई दे रहे ने, किड्डा वड्डा काफला है? मित, काफला तो दिन पर दिन मतलब के उत्थे वधदा ही जा रहा, जिहड़ा इह काफला है तकरीबन 7-8 सौ ट्राली है ते जिहड़े होर लोक ने आप मारे पिंडां दे विच्चों उठ के एक लहर चल चुकी है। जिहड़े पिंडां दे विच्चों आम लोक ने ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਹਰ ਵਰਗ ਔਰ
की बीबिया ते की बाबे सारे ही इत्थे किसान संघर्ष दे विच एकजुटता दे नाल पहुंचते दिखाई दे रहे हैं और काफिला वधदा ही जा रहा है। बेहद शुक्रिया गुरदर्शन सारी खबर नूं साडे दर्शकां तक पहुंचाउण दे लई।